सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चोणों दरमियान चोन कमिशन ने भाजपा को कारण दसो नोटिस जारी किया। नोटिस भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा प्रचार वीडियो में एक बच्चे की वरतों को लेकर भेजा गया। केंद्रीय चोन कमिशन ने भाजपा के इस वीडियो को गंभीरता से लिया। दरअसल बच्चों की चोन से संबंधित गतिविधियां से प्रचार च वरतों को चोन जाबते की उल्लंघना मनिया जाता। दसा जा रहा है कि हरियाणा चोन कमिश्नर ने भाजपा हरियाणा प्रधान को कारण दसो नोटिस जारी करके इस पर कार्रवाई करने लिए कहा। चोन कमिश्नर ने हरियाणा प्रदेश प्रधान को इस मामले से जवाब देने लिए कहा। कलकत्ता डॉक्टर जबर जनाह के कतल मामले को ध्यान में रखते हुए देश के सारे मेडिकल कॉलेजों और हस्पतालों में मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उत्थे काम कर रहे सेहत कर्मचारियों की सुरक्षा लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होंगे। इस दे नाल ही हस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ठेके से काम करते मुलाजमान की पुलिस वेरीफिकेशन लाजमी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की हदायतों से केंद्रीय गृह सकत्र गोविंद मोहन से सेहत सकत्र अपूर्व चंद्रा की प्रधानगी हेठ राज्यों के मुख्य सकत्र पुलिस डायरेक्टर जनरल हुई वर्चुअल मीटिंग में कई फैसले लिए गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर हस्पताल के सबका प्रिंसीपल संदीप कोच की मैंबरशिप मुअत्तल कर दी है। जानकारी के अनुसार आईएमए हेडक्वार्टर के राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर आरबी अशोकन द्वारा गठित अनुशासनी कमेटी ने सर्वसम्मति नाल आईएमए कलकत्ता शाखा के उप प्रधान डॉक्टर संदीप कोच की मैंबरशिप को मुअत्तल करने का फैसला किया। राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर आरबी अशोकन आईएमए मुख्य दफ्तर द्वारा विधिवत तौर पर गठित अनुशासनी कमेटी ने आईएमए कलकत्ता शाखा के उप प्रधान डॉक्टर संदीप कोच की मैंबरशिप को मुअत्तल करने का सर्वसम्मति फैसला किया। आज पहली बार देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सिख्यार्थी डॉक्टर नाल जबर जनाह कतल मामले से दुख जाहिर किया। अपनी पहली टिप्पणी उसने कहा है कि वह निराश से डरे हुए सन। औरतों विरुद्ध अपराधों तो दुखी राष्ट्रपति मुर्मू ने गल करदे कहा है कि कलकत्ता एक पासे विद्यार्थी डॉक्टर से नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूजे पासे अपराधी होर थावां ते घूम रहे हैं। बहुत हो गया, हुण कुछ करना होगा। गुजरात में मीह नाल संबंधित घटनावां च 19 होर लोगों की मौत हो गई। इस तरह तीन दिनों च मीह कारण मरन वालों की गिनती 26 हो गई। अधिकारियों ने दस्सिया कि बुधवार को लगातार चौथे दिन सूबे के कुछ हिस्सों च भारी बारिश रही है। इस नाल ही हड़ प्रभावित इलाकों तो 17,800 लोगों को सुरक्षित थावां ते पहुंचा दिता गया। एक पुलिस अधिकारी ने भी दस्सिया कि अपनी जान गवाउण वाले 7 लोग शामिल ने जो कि एतवार को मौर विजले के हलवत तालुका के धवना पिंड के नेड़े एक पुल को पार करते समय जिस ट्रैक्टर ट्राली चो सफर कर रहे सन दे रुट जाने कारण लापता हो गए थे ते इस पुल तो पानी वग गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के सबका संसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की पटीशन से सुनवाई की है। सुनवाई दौरान अदालत ने ब्रिजभूषण पूछा कि उसने दोष तय करने दे देश के नाल कार्रवाई में चुनौती देने लिए उही पटीशन क्यों दायर की। हाई कोर्ट ने कई महिला पहलवानों एफआईआर रद्द करने और उन्होंने खिलाफ दर्ज जिनसी शोषण के मामले में दोषों रद्द करने की मांग करने वाले पटीशनों से नोट दाखिल करने लिए समय दिता। अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पूछा कि उसने अपने खिलाफ दोष तय करने के हुक्म के कार्रवाई में चुनौती देने वाली पटीशन क्यों दायर की। पूर्वी दिल्ली च जगतपुरी लाल बत्ती नेड़े एक डीटीसी बस नूं अग लगी। बस च अग लगण नाल सवारियों च दहशत दा माहौल बन गया। अपनी जान बचाउण लई जल्दबाजी च बस चों उतर गए। पुलिस मुताबिक इस घटना च कोई जानी नुकसान नहीं होया। दूजे पासे फायर ब्रिगेड दी दो गड्डियां ने मौके ते पहुंच के अग ते काबू पाया। हालांकि यह पूरी तरह सड़ के सुआह हो गई। इस दे नाल ही बस च सवार कुछ सवारियां दस्सिया कि जिवें ही बस नूं अग लगी तां पिछे तों आ रहे एक बाइक सवार ने उन्होंने तुरंत बस तों हेठां उतरन लई कहा। उसने दस्सिया कि बस च अग लग गई है ते जल्दी हेठां उतरो। इस बाइक सवार दे कारण यात्रियों की जान बच गई। सरकार दे काम दा प्रचार करन वाले ने हुण उन्हां दे फॉलोअर्स दे हिसाब नाल तनखाह दित्ती जाएगी। सरकार वल्लों हर महीने 30,000 तो 8 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। पर जेकर सरकार नूं तुहाडी समगरी रील जां पोस्ट पसंद नहीं आउंदी तां तुहानूं जेल भी भेजा जा सकदा है। सरकार वल्लों जारी नवीं नीति अनुसार इन्हां नाल संबंधित एजेंसियां ते फर्मां नूं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते डिजिटल राहीं सूबा सरकार दे स्कीमां ते प्राप्तियां ते आधारित समगरी वीडियो, ट्वीट, पोस्ट ते रील दिखाउण लई सूचीबद्ध कीता जाएगा। टैक्स इश्तिहार जारी करन लई प्रोत्साहन दित्ते जाणगे। भाजपा आगू स्मृति ईरानी का रवैया बदलता नजर आ रहा है। अमेठी तो लोकसभा चोन हारन तो बाद स्मृति ने अज पहली बार कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी की तारीफ की। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी के सुभा से राजनीति के करन के तरीके च वड्डा बदलाव आया। एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी बारे बोलते हुए स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति च बदलाव आया और समझते हैं कि उन्होंने सफलता का स्वाद चखे। पहली बार वो इन्ने साफ समान नाल बोल रहे हैं। राहुल गांधी हुण वक्री राजनीति कर रहे हैं। केंद्र ते पंजाब सरकार ने खडूर साहब तो संसद मैंबर अमृतपाल सिंह ते लगी एनएससी नूं सही ठहराया। अमृतपाल सिंह वालों पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में एनएससी वधाउण दे फैसले नूं चैलेंज किया गया। इस मामले में अज पंजाब सरकार ते केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। इस विच पंजाब ते केंद्र सरकार ने अमृतपाल सिंह ते नवें सिरे तो एनएससी लगाउण दे फैसले नूं सही दस्सिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ते पंजाब सरकार वालों हाई कोर्ट च दाखिल जवाब च कहा गया कि अमृतपाल सिंह जेल तों वी वक्खवादियां दे संपर्क विच है।
साबका संसद मैंबर सिमरजीत सिंह मान का कंगना रणौत को लेकर शर्मनाक बयान आया। उन्होंने कहा कि कंगना रणौत को रेप का काफी तजर्बा है, उन्होंने पता है कि रेप किस तरह होता है, जिस तो बाद बीजेपी लीडरशिप में तरथली मच गई है। मान के बयान की चारे पासे निंदा हो रही है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।